और लोकसभा के अंदर भी लगातार जन सामाजिक मुद्दों को उठाने वाले ऐसे हमारे युवा एवं प्रखर नेता, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सांसद आदरणीय तेजस्वी सूर्या जी, मंच पर उपस्थित उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, हमारे बहुत वरिष्ठ विधायक आदरणीय खजानदास जी, आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, आदरणीय सविता कपूर जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष, जिन्होंने आज की रैली में अपना संपूर्ण योगदान इसमें दिया है, इनके साथ भाई सिद्धार्थ अग्रवाल जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हमारी युवा नेत्री बहन नेहा जोशी जी, मंच पर आसीन हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय ज्योति गैरोला जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रेष्ठी सिंह जी और बत्सल जी, रोहन जी, हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भाई शशांक रावत जी, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी भाई शैलेंद्र बिष्ट जी, कुलदीप कुमार जी, विनोद उनियाल जी, मधु भट्ट जी एवं मंचा सिंह हमारे तेजस, मेरे बहुत पुराने साथी, जब हम युवा मोर्चा में थे तब से आज तक युवा मोर्चा में ही है, भाई तेजेंद्र पाल बग्गा जी और इस विशाल महापद यात्रा में आए हुए हमारे सभी कार्यकर्ता भाइयों एवं बहनों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो हमारे राज्य की स्थापना, जिनके प्रधानमंत्री रहते हुए हमारा राज्य आज से 23 साल पहले बना था, भारत रत्न परम श्रद्धे अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करना चाहता हूं कि उससे ठीक एक दिन पहले, उनका कल जन्म दिवस है, उसके जन्म दिवस से एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के तत्वाधान में विशाल पदयात्रा का आयोजन किया गया है। मैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का नमन करना चाहता हूं कि उन्होंने राज्य बनाया और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश को संवारने का और आगे बढ़ाने का काम उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में लगातार आगे हो रहा है। भाइयों बहनों, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस संकल्प के साथ ये राज्य बनाया था, उस संकल्प की पूर्ति के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं और मोदी जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में पिछले, अगर हम 9 सालों की 10 सालों की बात करें, उत्तराखंड के अंदर जितनी योजनाओं को स्वीकृति भारत सरकार ने दी है वो भूतो न भविष्यति, जो पहले कभी नहीं हुआ, 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाओं को उत्तराखंड के अंदर स्वीकृति मिली है। भाइयों बहनों, आज उत्तराखंड का अगर कोई भी कोना देखेंगे आप, तो चारों तरफ सड़कों का जाल बिछ गया है, चाहे चार धाम ऑल वेदर सड़कें हो, या अभी कुछ ही दिनों के बाद दिल्ली से देहरादून को जोड़ने वाला एक्सप्रेस हाईवे हो, ये बनकर तैयार हो रहा है। उसके बनने के बाद उत्तराखंड की तकदीर और इसका पूरा देखने का जो नजारा है वो अलग होने वाला है। भाइयों बहनों, दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2 से 2.5 घंटे की होने वाली है। आप सोचिए कि दिल्ली का NCR का एक हिस्सा हमारा ये देहरादून भी हो जाएगा। आज आप सबके बीच में मैं कुछ बातें करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मोदी जी ने जो भी सार्वजनिक मंचों से आकर उत्तराखंड के अंदर
जितनी बातें उन्होंने कही हैं वो सारी बातें उन्होंने पूरी की हैं। और आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, विश्व गुरु बन रहा है। 2014 से पहले एक कालखंड ऐसा था जब बड़े बड़े मंच, जो विश्व के मंच होते थे, उस मंचों पर भारत अपने हितों की बात भी नहीं कर पाता था, अपने हितों की बात नहीं कर पाता था, कोई भारत को गंभीरता से नहीं लेता था। लेकिन अब समय बदल गया है, अब विश्व का कोई भी मंच होता है, विश्व की कोई भी घटना होती है तो पूरा विश्व भारत के रूप का इंतजार करता है कि भारत क्या कहने वाला है, क्योंकि हमारे पास आज ऐसा नेतृत्व है। भाई बहनों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ रहा है और तमाम काम जो आज हो रहे हैं ये सारे काम बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, ये प्रश्न इस मंच से बैठे हुए लोगों का भी नहीं है। अगर हम बहुत सारे बातों की बात करेंगे, अभी तेजस्वी सूर्या जी बोल रहे थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बोल रहे थे, उन्होंने बहुत सारी बातें रखी हैं। और अगर हम प्रश्न करें कि ये काम जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में हो रहे हैं, क्या ये काम पहले नहीं हो सकते थे? ये काम पहले नहीं हो सकते थे? बताइए, हो सकते थे कि नहीं हो सकते थे? लेकिन इन सरकारों की इच्छा शक्ति नहीं थी। भाइयों बहनों, आज देखिए, हम लंबे समय से उत्तराखंड के अंदर रहने वाले तेजस्वी जी, प्रत्येक उत्तराखंडी राम भक्त भी है और राष्ट्र भक्त भी है। और सेना के अंदर हमारे उत्तराखंड से जाने वाले जो सैनिकों का जो योगदान है वो उत्तराखंड का सर्वाधिक हमेशा रहा है। ये देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है भाइयों बहनों, क्योंकि आज मोदी जी के नेतृत्व में 22 जनवरी को भगवान रामलला उसी अयोध्या में विराजमान होने वाले हैं, जिनके बारे में हम कहते थे रामलला हम आएंगे, क्या कहते थे, रामलला हम आएंगे, कहते थे रामलला हम आएंगे, तो राम मंदिर